विद्यार्थियों का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और पिछले सेशन में अपन जो है छठा पाठ पढ़ रहे थे, छठे पाठ में हमने पढ़ लिया था योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसके साथ में हमने पढ़ा था विद्युत अपगणनीय अभिक्रिया, अपगणनीय अभिक्रिया जिसमें हमने प्रकाश अपगणन, विद्युत अपगणन, ऊष्मीय अपगणन पढ़ा था। अपन उस बात को आगे बढ़ाते हैं और आज जो है उसमें अपन पढ़ते हैं तीव्र और मंद अभिक्रिया। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है, स्पीडली संपन्न होती है, उसे अपन तीव्र अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो बनने में जो है वो काफी टाइम लेती है, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, महीने, 2 महीने में संपन्न होती है, कई लाखों मतलब वर्षों लग जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियों को मंद तथा तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले जो अपने हेडिंग लगाते हैं मंद अभिक्रिया, यहाँ लिखेंगे नंबर 1 है मंद अभी, सॉरी तीव्र अभिक्रिया, पहले लगा था तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। परिभाषा क्या बनेगी इसकी? परिभाषा ये बनेगी ऐसी अभिक्रिया जो बहुत कम समय में संपन्न होती है उसे अपन तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो बहुत कम समय में, कम समय में संपन्न हो जाती है, हो जाती है, क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सबसे बड़ी उदाहरण है, सबसे बड़ी उदाहरण इस प्रकार है, अपन कर सकते हैं अपना, जैसे ये अपन करते हैं एनर्ज, जो एक ख्याल है, ये है, ये होता है NaOH प्लस ऐसे। अब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से अपन जानते हैं ये अम्ल क्षार अभिक्रिया है जिसको अपन उदासीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है, यहाँ से बन जाएगा NaCl, ये बन जाएगा H2O। तो यहाँ से ये पार संभव रहता है, ये बहुत कम समय में संपन्न रहती है, सेकेंडों का भी लाख में भाग के पार होते हैं। तो इस प्रकार से कहेंगे अपन NaCl, ये बन जाएगा NaCl प्लस बन जाएगा H2O, ये कम समय में संपन्न रहती है। उसी प्रकार और बहुत सारी अभिक्रिया हो सकती है, ये अपन कर सकते हैं H2 प्लस Cl2, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2HCl हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और यहाँ बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत कम समय में संपन्न होती है, इस कारण मंद अभिक्रिया कहलाता है। नंबर 2 अपने अगली बात करते हैं, नंबर जो अगली अभिक्रिया है उसको कहेंगे मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे दिन, महीना, इस प्रकार, तो कहेंगे वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो जिन्हें जिन्हें संपन्न होने में, जिन्हें संपन्न होने में दिन, माह या वर्ष लग जाता है, वर्ष लग जाते हैं, उन्हें अपने मन में, जैसे जंग लगती है लोहे को, पाकिस्तान के पास का ये और कहेंगे 2Fe प्लस 3O प्लस H2O 3H2O यहाँ से चीज बनेगा, ये बनेगा 2Fe
तो इस प्रकार के भी है, इसको तुम कहेंगे जन, ये जो चीज है जो ग्रह दर्शन होती है, ये इस प्रकार की दर्शन कर सकते हैं जंग का उदाहरण। तो इस प्रकार अपन कहेंगे मंद अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को कहेंगे अनुत्क्रमण अभिक्रिया। और भी अपने को और भी प्रश्न कर सकते हैं। अगली है उत्क्रमण अभिक्रिया। अगली जोड़ी में कहेंगे उसको कहेंगे अनुत्क्रमण। ये ऐसी बिक्रिया होती है जो एक ही दिशा में होती है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, इससे जो अभिकारक है या क्रियाकारक है वो आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन जो उत्पाद है प्रोडक्ट है वो वापस चेंज नहीं होता, अभिकारक में चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमण अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रियाओं को अपन एक तीर द्वारा एक प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर यह रोशनी अभिक्रिया, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, वे अभिक्रिया वे वे दिखते हैं जो वे दिखते हैं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती ऐसे भी नहीं होते क्या कहेंगे होती है, ऐसे भी नहीं होते क्या कहेंगे, ऐसे भी नहीं होते अनुत्क्रमण अभिक्रिया। यानी इसमें जो अभिकारक है वो उत्पाद रहता है, उत्पाद अभिकारक वापस चेंज होता नहीं। तो उसका उदाहरण है जैसे अपन ये मान लो कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपन कार्बन भी लेते हैं, बिल्कुल बड़ा कार्बन गुजराते हैं ठोस रूप में होता है, ठोस रूप में कार्बन गुजराते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर के अलावा, तो यहाँ से जो बनेगा यहाँ पर बन जाएगा CO एक ही रूप में गैस, एक ही रूप में गैस। इसको इस स्थिति में प्रतिशत है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में तो अभिकारक है क्रियाकारक है, और राइट हैंड साइड के अंदर प्रोडक्ट है, ये वापस जो प्रोडक्ट रहता है वो क्रियाकारक में बदलता नहीं। तो ऐसे भी हमको उत्क्रमण अनुत्क्रमण अभिक्रिया करते हैं। अगली जो अभिक्रिया है उसको अपन कहेंगे उत्क्रमण अभिक्रिया। ये जो उत्क्रमण अभिक्रिया होती है ये दोनों दिशाओं से संपन्न होती है, तो कहेंगे वे अभिक्रिया बस क्या बनेगी वे अभिक्रिया जो वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी इनके जो अभिकारक है वो उत्पाद बनेंगे, उत्पाद वापस अभिकारक में परिवर्तित होते रहते हैं। ये सबसे बड़े उदाहरण है हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण करना, तो यहाँ पर बन जाएगा अपने N2+3H2। इसको अपने से करते हैं आधा तीर राइट हैंड साइड में, आधा तीर लेफ्ट हैंड साइड में,
यहाँ बन जाएगा 2N2NH3। तो इसमें क्या होता है, ये जो दोनों क्रिया करते हैं अभिक्रिया करते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं अमोनिया NH3। अब होता क्या है, ये अमोनिया वापस कन्वर्ट होता रहता है इसमें अभिकारक को होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम उत्पन्न अभिक्रिया कहते हैं। उसको यही बता बढ़ा देते हैं अगले अभिक्रिया में। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचय, तो उसको टर्मिनल बनेगी, टर्मिनल क्या बनेगी, आगे से शुरू करते हैं ऑप्शिकल तथा ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा में, इसमें से कभी एक नंबर का कभी दो नंबर का सवाल पूछ रहता है कि ऑप्शिकल ऑप्शन में अंतर रखिए, कभी कभी एक नंबर का पूछ रहता है कि ऑप्शिकल ऑप्शन में दो अंतर रखिए, कभी सीधे दो नंबर का पूछ रहे ऑप्शिकल ऑप्शन में क्या अंतर है, तो अपन टेबल बना करके अंतर रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑप्शिकल की फिर ऑप्शन, तो अपन ऑप्शिकल की बात करते हैं, यदि किसी पदार्थ में या तत्व में या यौगिक में यदि जो है ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको अपन कहेंगे ऑक्सीकरण, और यदि किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसको अपन कहेंगे अपचयन। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के दो परमाणु काम आ रहे हैं और ऑक्सीजन का एक अणु जुड़ रहा है, तो यहाँ पर बन गया 2MgO, और यहाँ से इसको जब 2MgO को गर्म किया जाएगा तो वहाँ से मैग्नीशियम से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो उसको अपन अपचयन कहेंगे। उसके बाद में अगला अंतर क्या है, किसी ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, यदि किसी तत्व के साथ में या यौगिक के साथ में कोई ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, जैसे हम बात करते हैं जो अपने आवर्त क्रमांक आपने ना वर्ग क्रमांक 17 आवर्तसारणी है, अभी सातवां पाठ इसका अगला पाठ ही आवर्तसारणी, तो उसमें पढ़ेंगे कि जो सातवां 17 जो वर्ग है उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके अलावा और भी है, उसके अलावा जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, इसका इस प्रकार के जो ये चीज़ें होती है, ये तत्व है, ये तत्व ऋणात्मक तत्व कहलाता है, तो ये तत्व इनमें से कोई तत्व यदि कोई किसी यौगिक के साथ में या परमाणु के साथ में जुड़ता है तो उसको अपन कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखो यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम से क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, तो उसको अपन क्या क्या कहेंगे, इसको अपन ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर Mg+Cl2 ये क्यों आया, तो अपन जानते हैं इंजेक्शन पड़ा था हमने कि जो मैग्नीशियम होता है उसकी संयोजकता क्या होती है, मैग्नीशियम की जो संयोजकता वो प्लस में 2 होती है, लेकिन क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, -1। तो संयोजकताओं को बैलेंस बराबर करने के लिए अपन इसकी संयोजकता को इसके पैर में और इसकी संयोजकता को इसके पैर में रखते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है MgCl2। क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता क्लोरीन के पैर में आ जाएगी और क्लोरीन की चूंकि एक ही, तो एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने लाइट में भी पढ़ लिया था। तो बात करते हैं आगे, तो ये जो है अपने ऋणात्मक तत्व, यदि किसी ये ऋणात्मक तत्व या अपन कहें इनमें से कोई तत्व यदि किसी के साथ में जुड़ता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे ऑक्सीकरण, और यदि ऋणात्मक तत्वों में से इन तत्वों में से यदि वापस कोई बाहर निकल जाता है तो उसको अपन अपचयन कहते हैं। अब जैसे MgCl को गर्म करेंगे, मैंने बात की थी ना कि यदि गर्म किया जाता है तो उसको त्रिभुज के रूप में ऐसे रखते हैं, तो हीटिंग जब प्रदान करते हैं तो यहाँ पर ये जो है ये Mg है, MgCl2 है, इसको गर्म किया जाएगा तो Mg से Cl निकल जाएगा और Cl2 निकल जाएगा और इसको अपन कहेंगे अपचयन।
उसके साथ में अगला जो अंतर है हाइड्रोजन का निकलना। यदि किसी यौगिक में से पदार्थ में से हाइड्रोजन अलग होता है, जैसे H2S, ये जो है एक यौगिक है, इसको अपन कहेंगे डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम क्या होता है डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है इनमें से क्या होता है, इसको जब अपन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ में सल्फर को हटा देगा, तो एक प्रकार की ये विस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार इसको जब हटा देगा तो यहाँ पर बन जाएगा H2O और यहाँ से क्या सल्फर अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का अपन इसमें से होता क्या है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल गया, तो डाई हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है यहाँ पर अपने ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार ही फिर उसके बाद बात कर रहे हैं ऋणात्मक तत्व का निकलना। तो ऋणात्मक तत्व का यदि कोई निकल जाता है तो उसका भी क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर के से क्या निकल गया, आयोडीन निकल गया, तो उसका ऋणात्मक तत्व यदि निकल जाता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। और यदि ऋणात्मक तत्व जुड़ जाता है तो उसको अपन कहेंगे अपचयन। धनात्मक तत्व का निकलना, सॉरी धनात्मक तत्व यानी पोटेशियम का निकलना, तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम निकल गया तो और उसको अपन कहेंगे ऑक्सीकरण। और धनात्मक तत्व का जुड़ना वो उसको कहलाता है अपचयन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकलना, यदि किसी यौगिक में से क्या निकल जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। और यदि वही इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। और सोडियम के पास में निकटतम उत्कृष्ट गैस है नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10, 7, 8 के अंदर सारणी बनी हुई है, उसमें भी लगे मिल जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन के जो त्यागने की क्रिया है उसको अपन ऑक्सीकरण कहते हैं। और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की चेष्टा करता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है तो ग्रहण करने की जो क्रिया है वो करवा दी है अपचयन। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया और उसके ऊपर माइनस आवेश आ गया। उसके साथ में अगला है ऑक्सीकरण में वृद्धि। देखो जब भी कोई तत्व वगैरह इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर धन आवेश आता है, और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उसका ऑक्सीकरण नंबर होता है। जैसे अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था और भी देखा, देखो यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन मैग्नीशियम है वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। वो हमने एक सारणी देखी कल, उसमें का मान लिया अधिक चंद फिर भी ये क्यों मान गए, तो उसमें संयोजकता उसकी अलग अलग होती है। तो ये इस प्रकार एफ ही जो होता है, नाइन्थ में पढ़ी थी हमने कि कुछ ऐसे तत्व होता है जो एक से अधिक संयोजकता बताते हैं, जैसे फेरस है, लोहा है, वो एफ ही है, वो ये बताता है 2+ ही बताता है, और कभी कभी जो है वो 3+ भी बताता है। कैल्शियम जो होता है वो 2+ बताता है, ठीक है। इस प्रकार जो है ये ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, यदि जैसे एफ ही है तो एफ ही क्या करेगा, यदि मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, पहले उसके पास में कितने थे, उसने 2 त्यागे थे, फिर उसने एक और त्याग दिया, तो यहाँ पर बन गया एफ ही 3+। तो इसके पहला ऑक्सीकरण क्या था, 2 था, अब ऑक्सीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऑक्सीकरण मान लीजिए वृद्धि होती है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण। फिर अपचयन, अपचयन में क्या होता है कि यदि ये एफ ही 3+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो पहले इसका ऑक्सीकरण क्या था, 3 था, अब इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऑक्सीकरण मान में यदि कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपचयन। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि मंद अभिक्रिया क्या है, तीव्र अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उसके साथ में पढ़ा ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर क्या होता है। अगले सेशन में अपने से आगे पढ़ेंगे, तब तक बढ़िया रिविजन करो, बार बार अभ्यास करो, पढ़ाई जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। और अपन जानते हैं कोरोना काल चल रहा है तो घर वालों को भी सेफ रखना है, और हमको भी बाहर जाना नहीं है, बिना मतलब जाएं तो फिर हाथ वगैरह धो करके जाएं, वापस अंदर आएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगा के घूमें, इस प्रकार अपने को सावधान रहना है। धन्यवाद।